और मैं ये बुक लेने गई थी मेरा 10 का वहां से। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है फिर से मेरा एक और नया वीडियो पे। तो होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। बहुत ही हो तो आज का यहाँ पे जो मौसम है काफ़ी बहुत भी अच्छा है। यहाँ पे धूप हो रहा है। गाइस आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मैं क्या क्या करने वाली हूँ सब कुछ। तो मैं फिलहाल अभी जा रही हूँ मिर्ची तोड़ने के लिए। मतलब पहले जो है ना मम्मी वहाँ पे ऑलरेडी से गया था, तो मैं उसके साथ अभी तोड़ने के लिए जा रही हूँ। तो गाइस मैं फाइनली पहुँच चुकी हूँ, तो यहाँ पर मिर्ची तोड़ रही है। तो मम्मी ने यहाँ पे ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया है। गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। हाय बेटा, कैसे हो आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। बहुत दिनों के बाद आज वीडियो बना रहा हूँ बेटी के साथ। हाँ जी, ये तुम तोड़ो। हाँ अभी मैं तोड़ूंगी। सो गाइस यहाँ पे भी बहुत सारे मिर्चियाँ हैं, तो स्पेशली यहाँ पे बहुत सारे हैं। मैं इसे एक एक करके तोड़ूंगी। मैं क्या क्या करने वाली हूँ, मुझे यूनिफॉर्म भी धोना है स्कूल का, और उसके बाद सब कुछ धोना है यूनिफॉर्म, और ये भी तोड़ना है मिर्ची, और उसके बाद मैं साइकिल भी धोने वाली हूँ आज को। शायद पता नहीं मैं क्या क्या करूँगी आज को, देखा रहेगा जरूर है। इतना मिला अभी। देखो भाई यहाँ पे कालू बाबा आ चुका है। कालू मिर्ची तोड़ने आया है। और ये है लोकल वाला मिर्ची। सो गाइस फाइनली अभी इतना खाली करके हो चुका है। बहुत सारा मिर्ची मिला है हमें, लगभग हो जाएगा पता नहीं कितना किलो। देखेंगे ना कितना होगा, सब पता चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है काफ़ी बहुत ही ज़्यादा गर्मी है आज को, पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन आजकल तो यहाँ पे ना विंटर सीजन आ रहा है, समर तो चला ही गया लगभग। तो दोस्तों फाइनली अभी जो है मिर्ची कलेक्ट करके हो चुका है। तो अभी हम लोग जाएंगे और अलग तरफ में, और उसके बाद देखते हैं कहाँ जाते हैं। और मिर्ची तो बहुत सारा कलेक्ट करके हो चुका है। और वहाँ पर बच्चा। तो बस यहाँ पे आंटी जी आ चुकी है, हमारे बाजू में रहते हैं इनका घर। मिर्ची तोड़ रही है ये भी, और मम्मी फिर से यहाँ पे जो है मिर्ची तोड़ रही है। सो गाइस हम लोग इसे हम लोग कहते हैं सीगुन साग, क्या कहते हैं सीगुन साग कहते हैं। लेकिन ना इसे खाने के लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पूरा दिखा करके। सो दोस्तों हम लोग वहाँ पे चलते हैं। सो दोस्तों मैं भी जा रही हूँ लेने के लिए गुंसा। हम लोग उसे गुंसा कहते हैं, खाने के लिए काफ़ी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगी, मम्मी भी आ रहे हैं साथ में। सो दोस्तों यहाँ पे है साग, गुंछो गुंछो गुंछो, इसे हम लोग कहते हैं गुंछो। हाँ तोड़ते हैं। येलो और ग्रीन होते हैं, येलो वाइट, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा ग्रीन भी होते हैं। ये यहाँ का वो कच्चा है। चार मिला है मुझे बस। वाओ सो दोस्तों यहाँ पे है और मेरा फेवरेट पैदल हाथपन। लेकिन हम लोग इसे लेके नहीं जाएंगे क्योंकि आज खाने का मूड नहीं है, इसलिए तो हम लोग यहाँ से अभी। रास्ता ही पूरा खराब, रास्ता ही नहीं है, ये तो जंगल है। बिम्बू सूट घूमेंगे, जाएंगे जा रहे जाएंगे। ऐसे दुलाना पड़ेगा बाद में। और हाँ तो यहाँ पे है बिम्बू सूट। थोड़ा सा यहाँ पे दो तो मिल चुका है, और लेकिन यहाँ का जो है छोटा है, यहाँ का थोड़ा सा बड़ा है। और यहाँ पे भी है, तो हम लोग इसे कहते हैं नल बचुरी। नल मतलब कि थोड़ा लंबा होता है ना ये, इसलिए नल कहते हैं। और इसे हम लोग कहते हैं गोरा बचुरी ना। हाँ नल बचुरी तो वो तो अलग है। और अभी हम लोग बनाने वाले हैं आटा, और फिर उसके बाद हम लोग भी मिक्स किया है यहाँ पे बनाना। यहाँ पे हमें गोल गोल करके बना दिया है, और उसके बाद चपता चपता करना पड़ेगा, अभी बहुत सारा बाकी है। और तो गाइस फाइनली बन के हो गया है। तो मेरा जो वीडियो क्लिप है वो डिलीट हो गया है बाय मिस्टेक से, इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है पूरा रेड रेड करके। मैं टेस्टिंग करके देखूँगी बाद में।
अभी हो चुका है ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट करके हो चुका है, मम्मी लोग का भी हो चुका है और मेरा भी हो गया है। तो हम लोगों ने खाया था उसे हम लोग कहते हैं बोरा फिदी। हम लोग उसको चावल और उसके बाद वो बनाना खस मिक्स करके बना तो दोस्तों मैं फाइनली स्कूल से भी वापस आ चुकी हूँ और मैंने लंच भी कर लिया है दोपहर का। अभी तो दोपहर नहीं, अभी हो रहा है इवनिंग। तो गाइस यहाँ पे देखो और पापा क्या बना रहे, ये इसके जरिए से ये बना रहे, ये प्लास्टिक वाला हुक्का बना रहे, ट्रेडिशनल वाला हुक्का। ट्रेडिशनल तो नहीं है लेकिन ऐसा ही कुछ बोल सकते हैं क्योंकि हाथ से बना रहे इसको। ये प्लास्टिक का नल है और यहाँ पे जो है ढक्कन लगा देगा, यहाँ पे पेड़ का वो सही कर रहे गोल करके यहाँ पे डाल देगा यहाँ पे। तो गाइस आपने तो देखा ही होगा पहले में बहुत सारा हुक्का बनाया था भैया का वीडियो में, मेरा वीडियो में, और फिर से आज को बना रहे एक तो प्लास्टिक वाला हुक्का। आज मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ ये वाला। ये लो बंद कर देगा तो इसमें तो थोड़ा थोड़ा खक के बम्बो का डाले लगा दिया प्लास्टिक वाला हुक्का ना, प्लास्टिक वाला। बहुत गर्मी है गाइस, मैं आज इतना लेट से आज स्कूल से पहुंच गई हूँ तो मैं नहाने के लिए जाऊंगी, पूरा यहाँ पे पसीना पसीना लग रहा है आज को, इतना गर्मा है, गर्म है रे बाबा। तो मैं नहाने जाऊंगी, मेरा सर में खुजली हो रहा है, पूरा गंदा हो गया वो धूल का वजह से। अभी का टाइम हो रहा है लगभग कितना हो रहा है, 4 बज गया और यहाँ का देखो इतना धूप है, 4 बजे भी पता नहीं कब को रात हो जाएगा, और पता नहीं वहाँ पे शायद क्या क्या दिख रहा है, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा माउंटेन दिख रहा है, पता नहीं बारिश होगा कि क्या होगा। तो क्या मेरा पीछे लग गया है भाई। सो गाइस मैंने अभी थोड़ा देर यहाँ पे रेस्ट भी कर लिया है, तो यहाँ पे जो है थोड़ी देर बाद यहाँ पे शाम होने वाला है, तो यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं पूरा बादल जो है पूरा काला भी नहीं हो, मतलब सारा का सारा जो है भाग गया है। सो गाइस मैं भी जा रही हूँ मेरा दोस्त का वहाँ पे, वहाँ उस तरफ में उनका घर, तो मैं वहाँ से उसको भूख लेने के लिए जा रही हूँ, उसका तो नहीं है मेरा ही भूख है। तो यहाँ का देखो रास्ता, हम लोग का गांव का रास्ता, यहाँ तो छोटा सा गांव है, यहाँ वहाँ पे एक और प्राइमरी स्कूल है और यहाँ पे है, यहाँ से जाता है मेन रोड उधर में, वहाँ पे तो गाय है, हम लोग का पड़ोस का है वो गाय। तो ऐसे यहाँ पे हो गया है शाम और मैं ये बुक लेने गई थी मेरा दोस्त का वहाँ से, क्योंकि मैंने उसको दिया था मेरा बुक, गलती से उसका बैग में चला गया था, तो मैं इसे लेने के लिए गया था पॉलिटिकल थ्योरी का, इसलिए मैं इसको लाने के लिए गया था। वहाँ पर रुका था हम थोड़ी देर, शायद आधा घंटा ऐसा कुछ और वगैरह वगैरह, सब समय में अभी घर पर पहुँचने वाली हूँ। बहुत गर्म लग रहा है और यहाँ से जाने के बाद मैं सीधा नहाऊँगी और उसके बाद रात होने वाला है। हे गाइस तो फाइनली यहाँ पे जो है शाम हो चुका है और मैंने नहा भी लिया है और मैंने अपना हेयर कट दिया है, मेरा न्यू हेयर कट है, इसको मैंने ना कुछ दिन पहले कटा था, तब छोटा था, अभी लेकिन थोड़ा बड़ा हो गया है, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर फाइनली शाम हो गया और मैंने भी नहा लिया है, मैंने कटा था थोड़ा इतना से कटा था, अभी तो है इतना लंबा हो गया है पहले से, कोई बात नहीं, बहुत ही जल्द लंबा होने वाला है। सो गाइस और यहाँ पे जो है शाम हो गया और पता नहीं हम लोग आज को और डिनर पे क्या बनाएंगे, देखा जाएगा जो भी बनाते हैं। मेरा स्ट्रेसफुल हो रहा है, मेरा स्टोरी इसलिए फुल होता है क्योंकि मेरे फ़ोन में इतने सारे वीडियोस हैं, क्योंकि मैं सेव करके रखती हूँ अगर मुझे वीडियो अच्छा लगने से, इसलिए मेरा जो मेमोरी होता है फुल हो जाता है और इतना सारे फ़ोटोज़ हैं मेरे पास, थाउजेंड मेरा बचपन के फ़ोटोज़, मेरे दोस्त के फ़ोटोज़, सबके फ़ोटोज़ हैं मेरे पास स्पेशली, और मेरे कुत्ते के फ़ोटोज़ भी है, कलवा छतवा सबके फ़ोटो, जितने भी मेरे कुत्ते हैं ना सबके फ़ोटोज़ हैं मेरे पास, इतना ज़्यादा फुल होता है बताए।